एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं एनिमल शेल्टर सिम्युलेटर। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपने पेट्स के लिए एक वॉशिंग सेंटर खोला था, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्स होते हैं वो खेल कूद में काफ़ी गंदे हो जाते हैं और उनको फिर उनकी साफ़ सफाई भी हमें करनी होती है, हमें उनको नहलाना धुलाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने एक वॉश सेंटर खोला था। और अगर पेट्स गंदे रहते हैं तो जो ओनर्स हैं ना, वो उनको अडॉप्ट भी नहीं करते। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने पेट्स के लिए एक क्लिनिक सेंटर खोलने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेट्स होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और हमें उनको कहीं और न ले जाना पड़े, इसीलिए हम अपना एक खुद का क्लिनिक सेंटर आज खोलने वाले हैं। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अपने प्यारे से एनिमल शेल्टर में। और दिन पर दिन अगर देखा जाए ना, तो अपना जो एनिमल शेल्टर है उसकी जो रेपुटेशन है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब अपना कस्टमर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वो हमारे यहाँ से जो एनिमल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इसीलिए जो अपना एनिमल शेल्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इनका खाना वगैरह मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी दोनों जो डॉग्स ना जिनको पिछली बार हमने अडॉप्ट करा था, वो अभी भी अपने पास है, क्योंकि एक तो देखो इनकी ना मैं ऐड नहीं क्रिएट कर पा रहा था, क्योंकि इनका जो मूड था वो अच्छा नहीं था, तो इसीलिए इनके साथ काफ़ी खेलना पड़ा, इनको खाना पिलाना सब कुछ करवाना पड़ा। लेकिन अभी एक काम करते हैं, पानी का कैनिस्टर कहाँ गया, मेरे पास था तो भाई मैंने खरीदा था यार, एक मिनट रुको, इसको एक काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, कैट की केज में रखते हैं ये जो अपने दूसरे वाले बॉक्स है ना, ठीक है, उन कैट की केज में रखते हैं। ओके अभी एक काम करता हूँ, मैं पानी इसमें डाल देता हूँ। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं भौंक रहे हैं, मुझे लग रहा कि अभी भी इनका मूड ठीक नहीं है, तो इनके साथ मुझे और खेलना पड़ेगा अगर इनकी ऐड मुझे क्रिएट करवानी है। लेकिन भाई इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, मैं खुद थक गया, लेकिन ये नहीं थके, ये भाई खेलते रहे। इसमें क्या पड़ रखा है, एक मिनट, अगर ये खाली पड़ा तो खाली कचरा नहीं रखने का, कचरा जाके अभी जाके कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, ठीक है। उनके बाद ना मुझे ना अपने डॉग्स के लिए ना थोड़ा सा खाना मंगाना पड़ेगा, क्योंकि खाना लगभग अपने पास ख़त्म होने को आया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, एक मिनट, इसमें फूड बाउल पड़ा है, इसका क्या करूँ मैं, अपने पास एक तो ना स्पेस भी नहीं है। एक काम करता है, इसको अपने पास वेयर हाउस है भाई, वेयर हाउस में स्टोर करके रख देते हैं ना, तो एक काम करते हैं, ये जो फूड बाउल है मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। एक जो ये लीटर बैग है इसको भी रख देता हूँ, ओके। और अपने पास ड्रायर भी मैं रख देता हूँ, ड्रायर तो अपने जो वॉशिंग सेंटर है वहाँ पर पड़ा ही है, ठीक है। बाकी एक और फूड बाउल है, मैं इसको भी रख देता हूँ, ओके। चलो अब जो थोड़ी सी इन्वेंट्री है, ठीक है, वो खाली हो चुकी है, बाकी जो कचरा बचा है इसको जाके फेंकते हैं फिर कचरे के डब्बे में। चलो भाई, सारा जो साफ़ सफाई का काम है अपना वो हो चुका है, अभी फटाफट चलते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। अपना जो पीसी है उसको करते हैं अब ऑन। और अगर एक बार देखा जाए तो इनकी किसी की आई है क्या रिक्वेस्ट, मैं देखूँ अगर पीपा पे आई है दोनों की, मुझे ये थोड़ी सी ठीक लग रही है। काम करता हूँ मैं, एक एम्प्लॉय को भेज देता हूँ ताकि वो जाके उधर से चेक वगैरह करके आ जाए, ठीक है। एक दो बंदों की कैट की आई है, ठीक है, मैं इस पर शिट, मैंने उसको कैट वाला कर दिया यार, मेरे 25 कॉइंस वेस्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी स्मॉल होम, यार नहीं यार ये तो बेकार है, फिर ये तो अपने डॉग के लिए भाई सूटेबल नहीं है। देखो जहाँ पे हमें अच्छी सुविधा मिले अपने डॉग्स के लिए, ठीक है, वहीं पे हम उसी ओनर को अपने डॉग को देंगे, ऐसे भाई ऐसे वैसे किसी को नहीं देना, ठीक है। तो अब ये काम करता हूँ, इसको मैं डिस्कार्ड, नहीं एक मिनट रुको, स्मॉल होम, वैसे भी ये तो कैट वाला ना, इसको डिस्कार्ड करो, मैंने इसको गलती से कर दिया था, एक इस पर भी आया, ठीक है। वैसे शक्ल से तो मुझे ये खड़ूस सा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक एम्प्लॉय को भेज तो दिया है, बाकी जो घी इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने क्रिएट नहीं करी है, एक मिनट यार, इसकी फोटो कौन सी है, तो अपना पीपा है, ठीक है, ये है अपना घी, तो इसको करता हूँ मैं सेलेक्ट, ठीक है। इसकी करते हैं हम क्रिएट ऐड, ठीक है, ताकि कस्टमर्स की इस पर भी आए। और ये बेकार है यार, ये भी बेकार है भाई, ये भी अपने डॉग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो एक काम करता हूँ, चलो और एक मिनट, इसको डिस्कार्ड में सबसे पहले करूँ। और देखो यार, ये वाली जो ये लड़की है ना, ठीक है भाई, इसको इसके घर पे एम्प्लॉय भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कम से कम 2-3 डॉग्स को दे चुका हूँ, ठीक है। और इसका घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके घर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गार्डन है, इसके बाद काफ़ी इसके पास काफ़ी जो टाइम है वो फ्री रहता है, तो जो डॉग्स है ना, ठीक है, उनको बस यही चाहिए भाई, ताकि वो अच्छे से रह पाए, ठीक है। इसलिए मैं उसके पास, मैंने भाई जो एम्प्लॉई है उसको नहीं भेजा, ठीक है। कुछ ही देर में जो वैन है वो आ जाएगी। और किसकी हमने करवाई है, पीपा की या फिर गीगी की कराई है शायद से, आई थिंक गीगी की कराई है हमने। चलो लास्ट टाइम भाई इसको थोड़ा सा खिला देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको लेके चलते हैं, ओके। और जो अपनी वैन है, ठीक है, अब अपनी, हाँ वैसे तो अपनी है ये, ठीक है, लेकिन ये ले जाएगी इसको इसके दूसरे ओनर के पास, ओके भाई चलो टाटा बाय बाय। देखो भाई ये बाय करते ना काफ़ी मासूम लगते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा मासूम भी होते हैं जो एनिमल्स, लेकिन ठीक है। अब ये काम करते, 134 रेपुटेशन बोनस हमें मिला है। और अगर देखा जाए तो एक दोनों डॉग है, ठीक है, एक काम करते, ये जो केन है ना मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि एक डॉग तो अपने पास पहले से पड़ा है, ठीक है। देखो और मैं क्या कह रहा था कि ऐसी कर करके जो अपनी रेपुटेशन है ना शेल्टर की, वो हमने बढ़ानी है,
क्योंकि जैसे हम रेपुटेशन को बढ़ाएंगे, एक मिनट ये तो काफ़ी बढ़िया भाई, इसको एक काम करते हो, इसको मैं मैच करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हम अपने रेपुटेशन को बढ़ाएंगे ना, वैसे ही हमें टिकट्स मिलेगी, तो उन टिकट का यूज़ करके, ठीक है, हम और भी ज़्यादा जो एरिया है उसको बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हैं हम उनको भी बिल्ड करवा सकते हैं। तो ठीक है, जो अपना ये इसका नाम क्या है, केन, ठीक है, केन इज़ वेरी हंग्री, केन इज़ वेरी बोर्ड, केन इज़ वेरी डर्टी। चलो भाई सबसे पहले काम करते हैं, इसकी पहले जाके साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम पेट पूजा करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करा जाए, एक मिनट रुको, उसके लिए ना अपने डॉग के लिए ऐसे नहीं अभी तो नहीं है यार, क्योंकि मैंने मैच तो कर दिया लेकिन वैन अभी आई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब तक वैन आती है तब तक एक काम करते हैं, जो अपना ये केन है ना, ठीक है, इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं, इसको नहला देते हैं। तो सबसे पहले जो शैम्पू है हमें उठाना है और इसके ऊपर हमें ऐसे डाल देना। आगे भाई बीप का साउंड आ गया। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो अपना डॉग है ना, कौन सा रह गया था, पीपा, एक तो भाई नाम भी याद नहीं आता, शायद से पीपा ही है ना, हाँ ये अपना पीपा ही है, तो इसको लेके चलते हैं, ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं अपने इस वैन में। चलो भाई ओके, टाटा बाय बाय, अलविदा, जाओ अपने नए ओनर के पास में, ठीक है, टाटा करेगा ना, हाँ भाई भाई हर बार ही होता है नहीं का, लेकिन ठीक है। अब ये काम करा जाए, इसको क्लोज करो, ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं। 115 बोनस इस बार हमें फिर से मिला, ठीक है, अभी जल्दी से चल के ना, पहले जो अपना ये डॉग है ना, ठीक है, मैं इसको नहलाता हूँ, शैम्पू हमने लगा दिया, अब बारी जो स्पंज है ना, ठीक है, इसको यूज़ करके इसकी साफ़ सफाई करने की अच्छे से। भाई ये तो वैसे भी काफ़ी देखने में गंदा लग रहा है, नहीं इसका कलर ही ऐसा है शायद से, हाँ इसका कलर ही ऐसा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो भाई इसकी साफ़ सफाई करनी है ना, तो फटाफट से अच्छे से बिल्कुल, ठीक है, चारों तरफ इसकी साफ़ सफाई कर देंगे, इसकी पूंछ भी थोड़ी सी साफ़ करता हूँ, ठीक है, इस साइड के जो पैर है वो भी करते हैं, ओके, थोड़ा सा रह गया, बाकी इधर का रह चुका थोड़ा बहुत, और ठीक है, और बाकी काम करता है, थोड़ा सा मुँह पर भी मार देता है, भाई मुँह पर कर, भाई मुँह पर कर, हाँ ठीक है, और इसको रखा है साइड में। उसके बाद जो अपना वाटर होज है इसको उठाना है, ठीक है, और पानी के फुव्वारे इसको मार के जितना भी शैम्पू है, ठीक है, उसको हमने कर देना है क्लियर, ओके, इधर से हो गया, बस थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा मुंह के ऊपर, और बाकी ये भी हो चुका है अपना क्लियर। क्या बात है भाई, मुंह पर कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। चलो भाई इसका काम हो चुका है, इसको रखते हैं हम साइड में। उसके बाद जो अपना ड्रायर है उसको उठाते हैं, ठीक है, वैसे अपने पास दो ड्रायर पड़े भाई, एक मैंने अभी वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है, मैंने भाई घाई घाई में ना एक और अपने साथ खरीद लिया था, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी वो भी अपने काम आ जाएगा, ठीक है, क्या पता ये ख़राब हो गया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे नहीं रखना भाई, इसको रखते हैं ऊपर, और अभी इसको लेके चलते हैं हम सीधा बाहर इसके केज में, ठीक है, वहाँ पे जाके थोड़ा इसका केन इज थर्स्टी, ठीक है, थोड़ा प्यास है, कोई बात नहीं भाई, खाना पानी का इंतजाम सब है, ये लो इधर बैठो आराम से, ठीक है, खाना भी पड़ा है और पानी भी पड़ा है, चलो भाई फटाफट से शुरू हो जाओ, हाँ ये बात है ना भाई। चलो ये अपना जब तक खा रहा है, और देखो अभी अपने को जो टास्क है वो भी आ चुका है कि बाय बिल्डिंग विद कैट्स के कैट केजेस, तो फटाफट चलते हैं बिल्ड मोर में, ठीक है, और अभी मुझे एक जो कैट वाला ना तो इधर रखना पड़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इतने में बस आ जाए, क्योंकि अभी मेरे पास एक भी टिकट नहीं पड़ी, ओके ना, इस इतने में आ जाएगा मुझे लग रहा है यार, ठीक है, इतने में आ तो जाएगा, एरिया तो ठीक है, ओके अभी मैं करता हूँ इसको प्लेस, नाइस, चलो भाई आखिरकार आ चुका है, नहीं तो मुझे थोड़ी मेहनत और करके जो टिकट है उसको करना पड़ता, लेकिन अभी इसको करते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, अभी इसको करते हैं अपने पीसी को बंद, बाय, ठीक है, हमने एक तो टास्क कंप्लीट कर लिया है, और अगला टास्क का टेक इन अ कैट इन टू योर शेल्टर, ठीक है, हमने एक कैट को भी अडॉप्ट करना है, और देखो ये भाई ये तो थोड़ा सा बढ़िया सा लग रहा है यार, और ये देखो ये ट्रैश बैग है, इधर पूप बैग डिस्पेंसर, अच्छा ठीक है, इसमें से जो ये आता है पूप बैग होता है ना उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रैश में उसको फेंक सकते हैं, और इसमें तो काफ़ी सारी केजें, कितनी, एक दो तीन इस साइड में और तीन इधर भी होगी, एक दो तीन, हाँ पूरी 6 केजीस है भाई, ये तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें हम फिर 6 जो कैट्स उनको ला सकते हैं, ठीक है, और देखो उनके छोटे छोटे से जो घर से है ना वो भी बढ़े ताकि उसमें वो आराम कर सके, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हम सिर्फ 2 डॉग्स को कर सकते हैं, ठीक है, 2 डॉग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कैट्स को 6 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखो हमने बाय करके वैसे जो केजीस है और भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा एरिया ना वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक मिनट, एक कैट की आई तो यार रिक्वेस्ट थोड़ी भेज रहे हैं, हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं ना वो देखते हैं कि आसपास कोई कैट वगैरह या फिर कोई डॉग वगैरह इधर उधर पड़ा है जिसके पास अपना कोई शेल्टर नहीं है, लेकिन इसको मैं टेक इन क्यों नहीं कर पा रहा, अच्छा ठीक है अब आ रहा है, ओके चलो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके चलो जो एक कैट हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया है, और अभी ना शॉप में से काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा खाना वगैरह हम बाय कर लेते हैं, एक काम करता हूँ मैं 2 खरीदता हूँ, ठीक है, या फिर हाँ 2 ठीक रहेगा, ठीक है, तो 2 ये हो गया, बाकी अभी फूड बाउल, वाटर बाउल, वाटर कैनिस्टर, ये तो मुझे लग रहा है ज़रूरत है नहीं, वैसे भी अपने पास फूड बाउल तो पड़ा है, और अगर मेडिसिन में देखा जाए तो बैंडेज है, एक मिनट रुको यार कैट आ चुकी है, ठीक है फटाफट चलते हैं, और जल्दी से जो अपनी पहली कैट है, ठीक है उसको निकालते हैं,
ओके, तो सबसे पहले इशू करते हैं हम ओपन। और देखो ये अपनी कैट, क्या बात है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है यार। तो इसको लेके चलते हैं, इसकी जो की है जाना उसमें जाके रखते हैं। और टेक इन एनिमल विद एन इंजर्ड पॉ। तो हमें ना एक जो कैट है, कोई भी एनिमल है, कैट नहीं कोई भी एनिमल, कैट या फिर डॉग, एक मिनट। अच्छा, कैट्स को नहीं नहलाते भाई, मुझे नहीं पता था यार कि कैट्स को नहलाते नहीं है। तो फिर इनको, इनकी साफ़ सफाई कैसे करेंगे यार। एक मिनट, सबसे पहले काम करता हूँ मैं, इसको इधर जाके रखता हूँ, ठीक है। साफ़ सफाई काम बाद में देखेंगे, क्या पता है इसके ऊपर जो ब्रश वगैरह होता है ना, जो था अपने पास एक, मतलब वो जो ऑप्शन है ख़रीदने का, तो क्या पता उसका यूज़ हो। एक मिनट, ये क्या कर रहा है इसने, एक मिनट भाई, इसने तो गंदगी फैला दी। इसके लिए मॉप मुझे चाहिए, मॉप मैंने ख़रीदा था, ठीक है, मैंने मॉप ख़रीदा था। मॉप मेरे पास है नहीं अभी, आई थिंक शायद से मैंने उसको अपने वेयर हाउस में रखा, लेकिन मैंने एक मॉप ख़रीदा था ना शायद से, मुझे एक मिनट यार, मुझे याद है मैंने एक ख़रीदा था। एक मिनट, ये फूड बाउल है, फूड बाउल को अपने पास रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं खाना दे पाऊँ। एक और मैं रख लेता हूँ, बाकी मॉप नहीं नज़र आ रहा यार, मुझे लग रहा कि एक मॉप मुझे बाय करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार जितना मुझे याद है ना कि मैंने एक मॉप बाय करा था। तो चलते हैं अपने पीसी में, ठीक है। तो चलते हैं हम कहाँ पे, मॉप मॉप किस में मिलता है हमें, एक मिनट। और ये क्या, बैंडेज वगैरह भी, एक काम करता हूँ ये सभी चीज़ें मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने एक जो क्लिनिक है, ठीक है, उसको भी ओपन करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो सीरेंज वगैरह, जो क्या था ये, ट्वीज़र भी है और एक फूड भी है, ठीक है, इन सबको करता हूँ। हाइजीन में अगर देखा जाए, ठीक है, ये रहा एक मॉप, ठीक है, इसको मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। एक ब्रूम है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। जो ब्रश है, ठीक है, इसको करता हूँ। स्पंज नहीं, स्पंज अपने पास पड़ा, ड्रायर भी पड़ा, लीटर बैग भी पड़ा, लीटर बॉक्स भी पड़ा है, पू बॉग सब कुछ पड़ा अपने पास, ठीक है, सब कुछ पड़ा है। और टॉयज में अगर देखा जाए ना, तो एक काम करता हूँ मैं लेज़र खरीदता हूँ, ठीक है, इसको खरीदता हूँ। और ये जो स्क्रैचिंग पोस्ट है, इसको भी मैं बाय कर लेता हूँ। ओके, कितना बना, 749 टोटल बन रहा है। ओके, तो इसको मैंने कर दिया है, ठीक है। और बाकी अगर एक काम करते हैं, फूड वगैरह कोई नया अभी खुला नहीं है, ठीक है, उसके लिए अपने थोड़ा सा अपना जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चलो, अपना जो सामान है वो सारा आ चुका है, जो ड्रोन था ना भाई, उसने अपना सारा सामान इधर डिलीवर कर दिया। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इधर, और पहले ना इसकी मैं साफ सफाई करता हूँ, ठीक है, जो चीज है ना। एक मिनट, अबे यार शिट, मुझे मॉप उसमें से निकाल के लाना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आए हैं तो फुटबॉल में रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉप ना मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा। तो कहाँ गया अपना बॉक्स, ये रहा, ठीक है, इसमें से जो मॉप 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 कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको करते हैं हम टेक, ठीक है। और अभी एक काम करते हैं, और हम तो जो इसमें वो है ना, क्या कहते हैं अपना, जो ये कैट फूड है, ठीक है, हम इसको भी उठा लेते हैं और फटाफट चल के जो अपनी कैट है उसको भी खाना वगैरह दे देते हैं। बेचारी अभी भूखी होगी, क्योंकि हमने उसको खाना तो दिया नहीं है। लेकिन खाने से पहले इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दे, जो इसने इधर गंद मचाया है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ क्यों नहीं हो रहा भाई, साफ़ हो जाए, एक मिनट, साफ़ क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो साफ़ सफाई अभी हो चुकी है, ठीक है। और अब बारी इसको थोड़ा सा खाना देने की। तो एक काम करता हूँ, कहाँ गया खाना, खाना इसका ये रहा, ठीक है, कैट फूड। तो इसको मैं डालता हूँ इस वाले फूड बाउल में। चलो भाई, खाना तो हमने डाल दिया। एक मिनट यार, पानी भी तो मुझे इसको देना पड़ेगा ना, ये ऐसे थोड़ी पानी पिएगी इस डब्बे में से। इसके लिए मुझे जो वाटर बाउल है यार, मैंने उसको बाय नहीं करा। एक मिनट, मैंने खाली फूड वाला बाय करा, वाटर बाउल मैंने बाय नहीं करा। एक मिनट, एक बार अगर देखे तो नहीं, मैंने बाय नहीं करता, मुझे बाय करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फूड बाउल बाय कर लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप फटाफट से बाय करेंगे भाई, सेकंड्स में भाई, कुछ ही सेकंड्स में जो डिलीवरी है ना वो आ जाएगी, ठीक है। इसको करा ऐड टू कार्ट और करा कन्फर्म, अब बस देखना तुरंत भाई, जैसे हमने कराना भाई बाहर, ड्रोन, ठीक है, ड्रोन आ गया, बस आ गया अपना सामान। ओके, देखो ये आ चुका है अपना बॉक्स, ठीक है। और इसमें से जो अपना वाटर बाउल है, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको लेके चलते हैं। और जो अपनी कैट है ना, ठीक है, उसकी जो केज है, मैं उसमें रख देता हूँ इसको, ठीक है, इसको रखते हैं इधर साइड में। और अभी फटाफट से इसमें जो पानी है, पानी 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 कहाँ गया, ये रहा वाटर कैनिस्टर, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं पानी। भाई साहब, खाना चट कर गई इतनी जल्दी, क्या बात है भाई, ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम की भूखी है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाना, धक्का क्यों दे रही है, खाना डाल तो रहा हूँ। चलो भाई, पानी भी पीने लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अभी इसकी केज को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और अभी इधर से निकलते हैं। सबसे पहले ना, एक एनिमल मुझे ऐसा अडॉप्ट करना है, ठीक है, जिसके चोट लगी हो, ठीक है, पैर वगैरह में जिसके चोट लगी हो। लेकिन इसने भी खाना ख़त्म कर दिया, तो इसको भी मैं थोड़ा सा खाना दे देता हूँ। चलो, खाना हो चुका है, पानी तो इसका फुल पड़ा है, ठीक है। चलो भैया, ऐश करो, और इसको करते हैं बंद। और अभी फटाफट से जो सामान है ना, मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये रही स्क्रैचिंग पोस्ट, ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, इसको लेके चलते हैं। इसको कैट के केज में रखते हैं ना, आई थिंक, क्योंकि डॉग के लिए अपने पास बॉल पड़ी है, और कैट्स तो बॉल से खेलती नहीं है, ठीक है, वो शायद से इसी पे ना अपना जो स्क्रैचिंग वगैरह वो करेगी, ठीक है। मैंने इसको रख तो दिया है,
लेकिन ये भाई कुछ कर क्यों नहीं जाए। एक काम करते इसको, अगर मैं अपने डॉग के पास लेके जाऊँ तो ये कुछ करेगा क्या इसके साथ? इधर मैं रख सकता हूँ क्या इसको? इधर रखता हूँ साइड में, ठीक है, इसको इधर साइड में, अरे इधर कोने में रखते ना, नहीं इधर मैं नहीं प्लेस कर सकता भाई, मैं इसको इधर नहीं प्लेस कर सकता, एक मिनट रुको। आई थिंक ये कैट्स के लिए है भाई, ये डॉग्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो डॉग भाई गुर्रा रहा है, एक मिनट भाई साहब, ये तो काफ़ी बैड मूड में है यार। इसके साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम पास करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो भाई इसकी हम आईडी नहीं क्रिएट करवा पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको जो, ओ भाई साहब शिट, गलती से उसके उधर ही चला गया, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ कोने में, ठीक है। चलो इसको मैंने रखते हैं, बाकी ये अपना टाइम पास इसके साथ करेगी, ठीक है। अभी हम फटाफट चलते हैं, और अभी ना एक क्लिनिक, हाँ यार क्लिनिक का मैं भूल ही गया, ठीक है, एक क्लिनिक हमें इधर अभी खोलना है। लेकिन अभी सबसे पहले जो सामान है ना, काम करते हैं, सामान को अभी छोड़ो, इसमें क्या पड़ा, ये खाली पड़ा, एक मिनट, खाली डब्बा इधर नहीं रहेगा बाहर, ठीक है, इसको जाके मैं फेंकता हूँ कचरे के डब्बे में, ओके। और अभी देखो मैंने एक ना डॉग को और अडॉप्ट करा था, वैसे देखो अपने पास ना कैट की 6-6 kg है, तो एक में तो हमने कैट को रखा है, लेकिन अभी पता है सीन क्या है कि अभी कैट की ना एक भी आई नहीं थी, तो मैं कैट को अडॉप्ट नहीं कर सकता अभी, ठीक है। डॉग्स की काफ़ी सारी आ रही रिक्वेस्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब कैट्स की आएगी तो हम कैट्स की भी कर लेंगे। और देखो इसके ना एक पैर पर चोट लगी है, ठीक है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले एक काम करा जाए, इसको ना मैं नहला दूँ, नहीं पहले इसको नहला देता, ठीक है, पहले इसको नहला देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो इसकी मरहम पट्टी हम वो करेंगे, नहीं तो अगर मैं पहले इसकी मरहम पट्टी करूंगा उसके बाद इसको नहलाऊंगा तो जो इसकी पट्टी वगैरह जो बैंडेज वगैरह वो क्या पता पानी की वजह से निकल ना जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं, ध्यान से करेंगे, उसके पैर पे जहां पे चोट लगी है ना, ठीक है, वहां पे हल्के हल्के जो स्पंज है वो मारेंगे ताकि बेचारे को दर्द ना हो, ठीक है। इसके मुंह पे तो आराम से मार सकते हैं, क्या बात है भाई साहब, ठीक है। और जो इसका पैर है ना, ठीक है, ये वाला, ये तो ठीक है, लेकिन देखो ये वाला जो इसका नीचे वाला पैर है ना, इस पर थोड़ा सा चोट लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर मैं करूँ ही ना, क्या पता बेचारे को दर्द होने लग जाए। ओके ठीक है, स्पंज हमने लगा दिया, बारी थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालने की, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा हम नहलाते धुलाते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं खाना खिला दूंगा, उसके बाद हमें एक जो क्लिनिक है, ठीक है, उसको बिल्ड करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम इनकी मरहम पट्टी ऐसे नहीं कर सकते भाई। वैसे देखो अपने पास बैंडेज पड़ी है, लेकिन बिना क्लिनिक के हम इनकी जो मरहम पट्टी है वो नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे एक जो क्लिनिक है, ठीक है, उसको बिल्ड तो करवाना ही पड़ेगा। अभी फटाफट से इसके ऊपर ड्रायर मैंने मार दिया, ठीक है, अभी इसको इधर से लेके चलते हैं बाहर। और इसको ना थोड़ा सा मैं खाना भी खिलाता हूँ, जब तक ये खाना खाएगा तब तक जो अपना क्लिनिक है, ठीक है, हम उसको ओपन कर लेंगे। तो इसको एक काम करा जाए, इसको जाके हम रखते हैं, इस वाले में खाना वगैरह पड़ा है ना, सब कुछ पड़ा, चलो भाई खाना वगैरह पड़ा, फटाफट चलते हैं। और अपना जो एक जो क्लिनिक है मैंने उधर इसको इधर बिल्ड करवा दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत आ, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने कर तो दिया इसको जैसे तैसे करके। और ठीक है, बाय बैंडेज, बैंडेज तो हमने पहले से बाय करके रखी है। और टेक द एनिमल टू द क्लिनिक, ठीक है, सबसे पहले देखो ये रहा अपना छोटा सा क्लिनिक, ये है मेल बॉक्स, पता नहीं क्या उसका यूज़ है, लेकिन देखो ये है अपना छोटा सा क्लिनिक। तो इसमें जो अपना अभी डॉग था ना, जिसको अभी मैंने अडॉप्ट करा था, तो थोड़ा सा वो उसके पैर पे चोट लगी थी, ठीक है, एक मिनट यार, सबसे पहले इनका जो ये पूप है ना वो मुझे साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रखते हैं हम इस पर, उसके बाद डालते हैं इसको ट्रैश में, ठीक है। और अभी एक मिनट, और कहीं तो नहीं है गंदगी, नहीं और कहीं भी नहीं, ठीक है, और इसको उठाते हैं, ठीक है, और इसको लेके चलते हैं हम फटाफट से अपने क्लिनिक में। भाई इसका जो क्या कहते हैं जख्म है वो ज़्यादा और ना हो जाए, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसका फटाफट से इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसमें मुझे जो बैंडेज है वो लगानी पड़ेगी, बैंडेज कहाँ पे गई, ये है अपना फूड, और ये भी बैंडेज, ठीक है, मैं इसको इधर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, एक बार और, चलो भाई हो गया, ठीक है, जो बैंडेज थी मैंने वो लगा दी इसके पैर पे, और अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो अपना इसको उठाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके जो इसकी केज है उसमें जाके इसको रख देते हैं, ठीक है। और अभी एक मिनट, मुझे एक और अभी जो बीमार एनिमल है ना उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको अपने शेल्टर में लाना पड़ेगा। लेकिन देखो जो अपना ये है ना केन, तो इसकी भी मैंने ऐड क्रिएट करवाई थी, ठीक है, इसका भी मालिक जो है वो हमें मिल चुका है, तो इसको भी अब हमें अलविदा कहना होगा, ठीक है, इसका भी साथ अपने तक यहीं था। लेकिन भाई इसकी जो ऐड क्रिएट करवाने में ना मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसका जो मूड था ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था, तो मुझे काफ़ी देर तक इसके साथ खेलना पड़ा, इसलिए जो इसका मूड था वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया, और उसके बाद हमने उसको भेज दिया। और अभी एक काम करा जाए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि और कोई एक और है, ये जो काली है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ टेक। ये भी अपना डॉग है, ठीक है, आई थिंक ये बीमार है, एनिमल्स इज सिक, ठीक है, वो जो जिसको अभी हमने अडॉप्ट करा ना तो वो बीमार है। बाय अ सिरिंज फॉर ब्लड सैंपल कलेक्शन, टेक ब्लड सैंपल फ्रॉम द एनिमल, सेंड अ ब्लड सैंपल टू द वेट
बाई ड्रॉपिंग इट इनटू द बॉक्स आउटसाइड द क्लिनिक। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपना जो डॉग है इसको निकालते हैं। ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा बैड है, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा बीमार है, तो सबसे पहले हमें ना इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रखते हैं इस पर टेबल पर। ओके, और उसके बाद मुझे एक जो सीरिंज है ना, मैंने सीरिंज बाय तो की थी यार, ये क्या, ये लेजर है, ड्रायर है, एक मिनट, अभी ना इसको इस बॉक्स में से निकालता हूँ। ठीक है, वही मैं सोचूँ कि मैंने सीरिंज बाय करा था। ठीक है, और अभी ना इसको लेके चलते हैं, और अभी ना जो अपना डॉग है ना, इसका जो ब्लड का सैंपल है मुझे वो लेना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको मारते हैं आराम से इसके साइड में। चलो ठीक है, जो सैंपल है हमने ब्लड का वो ले लिया है, और इस ब्लड सैंपल को मैं डालना है इस वाले मेल बॉक्स में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो भाई, सैंपल जो है वो मैंने सेंड कर दिया, और अब क्या करना है, वेट फॉर द वेट्स ईमेल। ठीक है, जो अपना हमें थोड़ी देर वेट करना है, देखते हैं कि आखिरकार जो ब्लड सैंपल है, ठीक है, मतलब क्या आता है उसमें, कि अपना जो डॉग है वो बीमार है, और अगर बीमार है तो उसको हुआ क्या है। हाँ, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि अपने पीसी में जाके जो मेल है मुझे वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें अपने को जो मेल है वो आ गई होगी। ओके, तो इसमें चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लड सैंपल डिजीज डिटेक्टेड कोल्ड ट्रीटमेंट रिकमेंडेड पिल्स। ठीक है, जो क्या कहते हैं, इसको ना अभी कोल्ड हो रखा है, तो उसके लिए मुझे जो पिल्स है ना, मुझे उनको बाय करना पड़ेगा, मतलब जो छोटी छोटी सी गोलियाँ होती है ना, ठीक है, तो उनको मुझे बाय करना पड़ेगा। तो ये रही वो, एक काम करते हैं, इसके मैं दो मंगाता हूँ, इसको करते हैं ऐड टू कार्ट कन्फर्म ऑर्डर। चलो भाई, इसका ऑर्डर मैंने कर दिया, फटाफट से जाके जो ऑर्डर है, मतलब जो सामान है वो उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपना डॉग है उसको वो जो गोली है वो देते हैं, ताकि उसकी मदद से जो उसका कोल्ड है वो ठीक हो जाए। ओके, इसको मैं निकाल लेता हूँ अभी, और अभी फटाफट से जाके जो अपना डॉग है ना, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसको दे देते हैं, चलो भैया ये लो खा लो। ओके, ठीक है, इसने जो क्या कहते हैं, जो पिल है वो खा लिए। ठीक है, और अब इसको लेके चलते हैं अनलॉक अनदर रेपुटेशन स्टार। ओके, ठीक है, देखो जैसे जैसे अपनी रेपुटेशन बढ़ी जा रही है ना, अपनी जैसे और भी जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, हम उनको भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको तो हमने ठीक कर दिया। ठीक है, बाकी इसका खाना वगैरह पड़ा तो है, अब मुझे ना एक बार ना एक काम करना पड़ेगा, खाना थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगाना पड़ेगा यार। एक मिनट, तो जब इनके साथ खेलते नहीं है ना, तो ऐसे ही दूर भागते हैं। और उसके बाद एक ही ऑप्शन अपने पास मिलता है, कि जो बॉल्स है ना, ठीक है, उनके साथ हम खेलें। ठीक है, जैसे इसको उठाते हैं और इधर आ। ठीक है, देखो अब इसके साथ ये खेलेगा, और देखो इसके धीरे धीरे करके, भाई साहब अभी तो काफ़ी कम है यार, अभी तो ये पहले हार्ट पे है। और देखो छूने से, भाई ये छूने से भाग जाते हैं, तो अगर इनके ऊपर हम हाथ फेरते हैं ना, तो इनसे थोड़ा सा और जो वो हार्ट वाला बार होता है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ता है। लेकिन अभी ना मुझे लग रहा है कि मुझे जो बॉल है, देखो भाई ये छूने दे नहीं रहे, तो मुझे बॉल के साथ ही इसके साथ खेलना पड़ेगा। ओके, कितना हो गया, 1710। ठीक है, मुझे लग रहा है कम से कम 4000 पॉइंट्स तक मुझे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके जो इसकी ऐड है ना, मैं वो क्रिएट करवा सकता हूँ, और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला मुझे पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओ अब ठीक है, अब देखो, नहीं यार अभी भी जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके भाई ये थोड़ा सा अच्छे से अपने साथ पेश आएगा। ओके, 1857, चलो ठीक है भाई साहब। इतनी देर से ना मैं अपने डॉग्स के साथ खेली जा रहा था, लेकिन उतने में क्या हुआ कि जो अपनी कैट है ना, भाई ये बीमार पड़ेगी, तो इसका जो ब्लड सैंपल है ना, मैंने वो लिया। उसके बाद जब मैंने सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा, तो इसको भी कोल्ड है, लेकिन इसको वो जो दवा जो पिल है हमने दी थी ना अपने डॉग को, तो वो नहीं दे सकते। इसके लिए ना एक अलग से मेडिसिन आती है, जिसको मैंने ख़रीदा, ये जो सीरेंज विद मेडिसिन है ना, तो ये अपनी कैट्स के लिए है। ठीक है, तो इसको ना मुझे हल्का सा इसके ऊपर इधर करना पड़ेगा इंजेक्ट। चलो भाई, अपनी जो कैट है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको ना लेके जाके इसका जो केज है वहाँ पे रखना पड़ेगा। वैसे इसकी जो ऐड वगैरह ना, वो भी हम क्रिएट करवाएंगे, ताकि इसका भी जो एक नया मालिक है वो अपने को मिल जाए, और जैसी और भी कैट्स की, ठीक है, अभी रिक्वेस्ट आती है, तो उनको भी हम अडॉप्ट कर लेंगे, बेचारे के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपने डॉग्स के साथ खेली जा रहा था। और देखो बस एडवर्टीजमेंट वाली जो लोगो है ना, ठीक है, उसके पास हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। जैसे वहाँ तक ये जो बार है वो हिट करता है, तभी जाके मैं इसकी एक ऐड क्रिएट करवाता हूँ। ठीक है, चलो कितना, ओके 3951 हो चुका है, आई थिंक 4000 पे बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है कि 4000 पे वो ऐड को हिट कर देगा। एक बार देखते हैं ट्राई करके। ओके ठीक है, अभी थोड़ा सा और मुझे इसके ऊपर हाथ फेरना पड़ेगा। कितना हो गया, 3975, भाई साहब 4000 में सिर्फ कितने 25 और कम है। चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा और इसके साथ इसको थोड़ा मैं सहला देता हूँ। ठीक है, तब जाके ओके कितना हो गया, 3975 बढ़ा नहीं इस बार क्या, नहीं 3938, भाई एक मिनट, बस दो और पॉइंट्स की कमी है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके ऊपर हाथ फेर दे। चलो भाई बेचारी, ठीक है, अब हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ यार। ओके ठीक है, हो चुका है, आई थिंक 4000। चलो भाई 4000 जो पॉइंट्स थे हमने उसको हिट कर दिया, और अब आराम से जो इसकी ऐड है मैं वो क्रिएट करवा सकता हूँ। तो फटाफट से इसकी जो एक फ़ोटो है, इधर आ फोटो खिंचवा लो, एक मिनट
फोटो खिंचवाने में इसको इंटरेस्ट नहीं है मुझे लगा, लेकिन कोई नहीं फोटो तो लेनी पड़ेगी भाई। इसको साइड में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा होते हैं, ठीक है क्या बात है, बहुत ही तगड़ा पोज इसने दिया। ठीक है अभी फटाफट चलते हैं जल्दी से जो फोटो है ठीक है उसको हम स्कैन करवाते हैं, उसके बाद इसकी जो ऐड है हम वो क्रिएट करवाएंगे ठीक है, और उसको जो इसका नया ऑनर होगा जो बढ़िया ऑनर होगा ठीक है तो उसको हम अपनी कैट को दे देंगे ठीक है। तो इसको रखते हैं हम सबसे पहले अपने स्कैनर में, इसको फटाफट से इसको करवाते हैं हम स्कैन। और ये किसकी फ़ोटो है भाई? अच्छा मैंने अपने डॉग की दो फोटो ले ली थी, चलो कोई बात नहीं एक को मैं फेंक दूंगा, लेकिन अभी फटाफट से कहाँ गया अपना ये ठीक है, इसको करते हैं क्रिएट ऐड, इसी करते हैं जो हम फोटो कहाँ की ये री, इसको करता हूँ मैं सेलेक्ट ठीक है, और करते हैं क्रिएट ऐड पे। चलो भाई ये तो मैंने कर दिया है, बाकी काफ़ी सारे और बंदों की रिक्वेस्ट आ चुकी है ठीक है, कैट्स इनको चाहिए, लेकिन कैट तो अभी अपने पास है नहीं, अभी एक ही की तो हमने ऐड क्रिएट करवाई है ठीक है। इसको मैंने कर तो दिया, देखते हैं कि ये अपनी जो कैट है उसके लिए सूटेबल है या फिर नहीं, अगर ठीक होगी तभी हम करेंगे, नहीं तो भाई हम नहीं करने वाले। तो गाइस अभी हमारी कैट के लिए जो ऑनर है वो मिल चुका है ठीक है, अपनी कैट को मुझे डालना पड़ेगा इस वाली केज में। चलो भाई अपनी जो पहली कैट थी ठीक है उसको भी अब हमें अलविदा कहना पड़ेगा ठीक है, इसको भी जो इसका नया मालिक है वो मिल चुका है, और अब बारी है काफ़ी सारी और कैट्स को ला के ठीक है उनको भी अच्छे से उनकी देखभाल करके उनको भी जो उनके नए मालिक है उनको दे देने की। तो ठीक है गाइस आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा फटाफट से जाकर फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।